मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जिस नाश्ते को बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल का ही इस्तेमाल होता है और कम तेल में यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है और सारी सामग्री आपको आपके किचन में बहुत ही इजिली से मिल जाएगी। तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कटोरी का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। चावल का आटा आपको किसी भी सुपरमार्केट में बहुत ही इजीली से मिल जाएगा, या आप चाहें तो चावल के आटे को घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो आप घर में चावल खाने के लिए यूज करते हैं उसे आप धो लीजिए और पंखे की हवा में सुखा लीजिए, उसके बाद आप पीस लीजिए। चावल का आटा आपके घर में रेडी हो जाएगा और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोटा या बारीक कोई भी चावल का आटा यूज कर सकते हैं, जो भी आटा आपके घर में अवेलेबल हो या नाश्ता बनाते समय। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच दही। यदि कप से नापेंगे तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही का यूज किया है और दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा नाश्ता है वो खाने में खट्टा लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पर दही की जगह छाछ का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे दही और पानी को हम चावल के आटे के साथ में। ढेर सारा पानी ऐड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा भी पानी ऐड करिएगा, नहीं तो जो बैटर है वो पतला हो जाएगा और ये नाश्ता बनाने के लिए बैटर एकदम ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर पानी ऐड करते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रहे हैं। बिल्कुल लम्स फ्री यहाँ पर बैटर हमें रेडी करना है। चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होता है, क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज बहुत ही कम होता है। और आप यदि कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी को आप एक बार अपने घर वालों को बनाकर जरूर खिलाइएगा। मैंने अपने चैनल पर चावल के आटे से बनी एक पॉकेट की रेसिपी शेयर की है जो कि सभी को बहुत पसंद आई है। यदि आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर उस रेसिपी को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर आपको बैटर लगाकर रेडी करना है, ना तो ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। अब इस बैटर को हम ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। तो यहाँ पर 15 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो एक बार हम इस तरह से इसे चम्मच से चला देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बैटर दिखाई दे रहा है ना, तो इसी तरह का यहाँ पर हमें बैटर रखना है। अभी हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। सब्जियां आप यहाँ पर आपके पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हो, और जो पसंद नहीं हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन सब्जियां डालने से ये नाश्ता है ना जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनता है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मटर ली थी जिसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर आप मटर को क्रश करके ही डालिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस नाश्ते का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर चटपटे टेस्ट के लिए आमचूर पाउडर का यूज भी कर सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारी सामग्री को हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करके हम ये नाश्ता बना रहे हैं ताकि जब आपका मन करे आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हैं। और जो भी हम यहाँ पर मसाले यूज कर रहे हैं वो सारे आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सारी सामग्री जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे इनो। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट लिया है। तो मैं यहाँ पर 1 पैकेट इनो पूरा डाल रही हूँ। साथ ही इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो इनो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सके। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप यहाँ पर पहले से ही पानी ढेर सारा नहीं डालिएगा। जब हम इनो डालते हैं और पानी डाल देते हैं तो इससे होता ये है कि एक तो जो इनो है वो अच्छी तरह से पूरे बैटर के अंदर मिक्स हो जाता है और हम यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर लेते हैं। आप जैसे ही इनो को बैटर में डालेंगे आप देखेंगे जो बैटर है वो बिल्कुल हल्का दिखाई देने लगेगा। इनो डालने के बाद इस बैटर को आपको रखना नहीं है, तुरंत ये नाश्ता बनाना स्टार्ट करना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से कटोरियां ली हैं, तो इन कटोरियों को हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी कटोरी ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो। मैंने यहाँ पर 1 सरी की कटोरी ली है जिससे कि ये नाश्ता जब हम किसी गेस्ट के सामने भी सर्व करें ना तो देने में भी हमें बहुत अच्छा लगे। और यदि आप घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर छोटी बड़ी कोई भी कटोरी का यूज कर सकते हैं। बस जो भी कटोरी ले उसे ऑयल से ग्रीस जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सारी कटोरी ग्रीस हो चुकी है। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इन कटोरियों के अंदर फिल करेंगे। तो इन्हें हमें आधा आधा ही फिल करना है क्योंकि जब ये भाप में पकेगा तो ये फूलेगा। तो इस तरह से हम तीनों कटोरियों में बैटर को भर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी डालकर पानी को गर्म होने के लिए रखा था। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हम कटोरियों को उठाकर इस गर्म पानी के अंदर डालेंगे
और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी इतना होना चाहिए कि सिर्फ कटोरी जो है वो आधी आधी डूबी रहे। एकदम ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं भरिएगा, नहीं तो कटोरी के अंदर पानी चला जाएगा और हमारा नाश्ता जो है वो खराब हो जाएगा। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक करके लो फ्लेम पर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं नाश्ता जो है वो कैसे थोड़ा थोड़ा सा फूल गया है। अब इन कटोरियों को हम बाहर निकाल लेंगे। अब इन्हें हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें कटोरियों से बाहर निकालेंगे। अब जो ये कटोरियां हैं ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इस तरह से हम चाकू से इसके किनारों को लूज कर लेंगे ताकि जब हम इसे कटोरियों से बाहर निकालें तो ये बहुत ही इजिली से निकल जाए। यदि आपके पास स्टीमर है तो आप इस स्टेप को स्टीमर में भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास स्टीमर नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से पैन में ही इस नाश्ते को पकाना बताया है। तो अब हम इन्हें कटोरियों से बाहर निकालेंगे। इस तरह से हाथों पे हम इसे टर्न कर लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और देखिए कितना सॉफ्ट और नरम बना है। जो इसके पीछे की जाली दिखाई दे रही ना, उससे ही पता चल रहा है कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही जालीदार बना है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो सारे कटोरियों से हम इस नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते में थोड़ा सा तड़का लगाने वाली हूँ। तड़का लगाने से इस नाश्ते का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो चलिए मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम बना है ये देखिए मैं आपको नजदीक से बता देती हूँ। वाव, इसके अंदर जाली जो दिखाई दे रही है ना, उसे बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट और नरम बनता हमारा नाश्ता। ये देखिए जब मैं इसे दबा रही हूँ तो ये वापस अपने शेप में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 4-4 पीसेस में सारे नाश्ते को कट कर रही हूँ। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं, आप चाहें तो और छोटे पीसेस कर सकते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, आप चाहें तो घी में भी इसका तड़का लगा सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से हम यहाँ पर गर्म कर लेते हैं। तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, और राई को अच्छी तरह से यहाँ पर हम चटकने देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राई जो है वो अच्छी तरह से चटकने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप यहाँ पर मिर्ची की क्वांटिटी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको इस नाश्ते को तीखा बनाना है, और यदि आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते बारीक कटे हुए। अब थोड़ी देर के लिए इन्हें हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सफेद तिल का भी यूज कर सकते हैं तड़के के लिए। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो हमने नाश्ते को कट करके रखा है, एक एक पीसेस को हम इस तरह से तड़के के अंदर उठाकर डालेंगे। अब तड़के के अंदर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो ये नाश्ता है ये हल्का हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। तो मैंने इसे तड़के में थोड़ी देर के लिए पका लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना नाश्ता, खाने में बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है। तो इस रेसिपी को आप एंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।